तेरी सुहागरात वो कैसी रही? जिस प्यार का मैं बचपन से सपने देख रही थी, मुझे पता ही नहीं था वो प्यार सिर्फ 10 सेकंड का होगा। दोस्तों, अगर आपको वेब सीरीज देखने में मजा आता है तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसी इंटरेस्टिंग और शानदार हिंदी वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें लोगों ने मिस कर दिया। इन वेब सीरीज को देखने के बाद आप यकीनन मूवी देखना बंद कर दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। वाह, टमाटर गोल गोल मजेदार, जी करता है इनका सारा रस निकाल कर पी जाए। इतना पसंद है तो पी लो। नंबर 1, तमिल रॉकर्स। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कुछ ऐसे क्रिमिनल से जो कि मूवी पायरेसी करते हैं। लेकिन वो पायरेसी क्यों करते हैं, इवन वो अपने इस क्राइम को किस तरह से अंजाम देते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस कम्प्लीट वेब सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक सच्ची घटना पे आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 6.7 की। इंडिया में सुबह होने के पहले दूसरी कंट्रीज में सुबह होती है, पायरेसी का यही स्टार्टिंग पॉइंट है। उनका सारा ऑपरेशन ऑनलाइन है, ट्रैक होने से पहले ही वो आसानी से अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं सर। नंबर 2, कैंडी। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सीरीज आपको सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। वेब सीरीज की स्टोरी यूं तो शुरू होती है एक सिंपल मर्डर केस से, लेकिन ये सिंपल मर्डर केस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बनती चली जाती है। इवन इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके एंडिंग में है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं बूट सेलेक्ट पर, और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 8.4 की। नंबर 3, हेलो रिमेम्बर मी सीजन 3। वेब सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है 2 लड़कियों से जो कि वैकेशन में मिलती हैं, लेकिन एक लड़की दूसरे लड़के से प्यार करना शुरू कर देती है, और लास्ट तक इनकी लव स्टोरी कितनी ज्यादा सक्सेस होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है होइचोई पर, और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 5.5 की।